चलने लगे तो उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को, जैसे विवाह संस्कार तो होता है सब जानते हैं लोग, यहाँ पर गाने बजाने वाले भी हैं बहुत, विवाह में जाने देखने जितना ज्यादा पंडित तो कराते नहीं गाने वाले, उतना ज्यादा हो जाते हैं देखने के लिए, लेकिन दूसरे पंडित के साथ भी गाना पड़ता है ना। और कई लोगों आप जैसे परिवार में बड़े बड़े मंडलियाँ हैं बहुत विवाह संस्कार में जाते हो, कई लीलाएं जो है रिपीट होता है, बेर बेर देखते हैं किस तरह से क्या क्या होता है, भंवर कितने घूमते हैं, कैसे घुमाते हैं और क्या क्या संदेश पंडित जी देते हैं अलग अलग मुखार से। तो इस तरह से विवाह तो हो गया, अब पहुंचाने के लिए अब जब बरात चली तो कंसा जी सोचे हमारे ही बहन के भी रक्षाबंधन हुआ है और फिर विवाह आ गया, चलो हम पहुंचाए। जो रास्ते में जा रहे हैं और क्या है उसी समय बड़े अपने प्रेम जताने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उस महान रथ को हाँकने लगा अपने आप, साथी तो है नहीं पर साथी बन गया उस दिन, अभी तो अपन बप्पा के राज छीन के अपने राजा बना है। और फिर इधर बताते हैं देवकी के पिता देवक ने अपनी बेटी को विदा करने करते समय अपार दहेज दिया, उस समय भांति भांति के बाजे बजने लगे और जिससे आकाश भी गूंज उठे, बड़ा सुंदरता पसंदता कोई नहीं जाने के काम होने वाला है। परंतु बड़े तेही छन होती भय नव पानी, सुनो वो कंस महा अज्ञानी, अज्ञानी अज्ञानी बने थोड़ा पहले हम चर्चा किए थे, तो यहां पर अज्ञानी कंस को सुनते हैं आकाशवाणी मिलता है और क्या बोलते, रहे हो जाही पहुंचावन जाई थी अष्टम सुत तोहे नसाई, तो जिसके तो पहुंचाने जा रहे हो उसके गर्भ से अठवा पुत्र जो होएगा वही तुम्हें नाश करेगा। बस सुनत कंस सो बार न लाई गहे देव की केस रिझाई, देखिए तो लंबा बार होता था पकड़ लेता, होता था कौन पकड़ लेता, फोटो में कहीं देखे हमारे साथी लोग सब देखें फोटो में देखे, तो अपने बहन के सीधा बार पकड़ ले। तो बताते हैं केस जब खींचे तो सुनत कंस सो बार न लाई गहे देव की केस रिसाई, बद हित उघत ताही निहारी कह वसुदेव न लाए अवारी, जैसे उन्होंने खींचा न पानी सोच के, और इधर वसुदेव जी बड़ा गुणवान है सत्यवादी, उसके बराबर सत्यवादी बयान नहीं बोले एक हरिश्चंद्र छोड़कर, अब कुछ बोल दे तो करके दे पानी में उसका अपना संयम था। तो बताते हैं कि ये देखकर तब तो देवकी को मारने के लिए उसे तैयार देखकर और देर ना करिए वसुदेव जी उससे कहने लगे, हे गुणवान वीर बलधारी, तो इतना बड़ा इतना ताकतवर वीरवर और विदित विश्व महा कीर्ति तुम्हारी, सारा जगत में तेरी कीर्ति गान हो रहा है, और नहीं नारी बद दोष विचारते, कि नारी का मार करना ये दोष है और तू विचार नहीं करते, बेविचारी के होते हैं कई कार्य कर जाते हैं बिना विचारे, कई मुख से ही बोल जाते हैं कई हाथ से भी कर देते हैं, अब यहाँ बिना विचारे बात कर लिए, सोचे नहीं कि इससे कुछ अच्छा है, जैसे साधु संत जो होता है बोले साधु बनाना बड़ा कठिन है, साधुता करना बड़ा कठिन है, राम राम ये जपते रहो बड़ा ईजी है बोलते रहो, कर्म करना बड़ा हार्ड है, साधु तो बहुत जल्दी आते हैं असली नकली सब, परंतु कर्म करना बड़ा हार्ड है। तो यहां पर बताते हैं कि नहीं नारी बद दोष विचारते अस्थानंद काल की इमारत, की सुखी का समय है खुशहाली का समय है और तू अपने बहन के ऊपर हाथ चढ़ा रहा है, अच्छा नहीं है स्वाभिमान नहीं है, हौ मारत यही मृत्यु भय जन्मत जन्म ही संग परत मरण एक दिन उसी जे धारत जगे अंग राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की। तो बताते हैं कि जिस मृत्यु के भय से तुम्हें ऐसे मार ही हो मार रही हो, वह मृत्यु तो प्राणी के जन्म लेने के साथ ही उत्पन्न हो जाती है, कि जन्म मरण जो है प्राणी के हस्तक रेखा में लिखा है, कितना तुम ओझा के पास जाओ और बताओ कि नहीं साल में नहीं चली, काली ना चले ब्रह्मा चले,
आप जिस दिन लिखाए जो डेट ऑफ डेथ रहा उसी दिन ब्रह्मा जी लिख दिन कॉन्फिडेंस रखी ने ना तेरा जन्म का न मरण के डेट है ख्याल रखना। हम बताते हैं 9 महीना में 8 महीना में गिनती में आगे पीछे हो जाए पता नहीं कौन टाइम मर जाए जीवन भी है बताते हैं अस्पताल में चले जाओ तो मरीज चले जाते हैं नहीं कितना बजे पता नहीं है जब लगी बात हो जाए मालूम नहीं। अरे मत नहीं अलावा समय भी किसी को निश्चित नहीं कब केवल धनराशि पितामह भीष्म के पता रहे वो भी मान लिए थे उनका वरदान था कि हम सुबह मर जाएंगे उतना दिन के बाद युद्ध खत्म होने। तो यहाँ पर क्या होता है वो कथा तो अलग चली जाती है और यहाँ पर क्या होता है अपने आप अब यहाँ पर वसुदेव जी कंस जी को समझा रहे हैं कि जिसका मरण लिखा होता है उस समय पर होता है फिर भी बताते हैं कि आप ये चाहते हो तो बताते हैं कि वर्तमान शरीर की अवधि जीवन काल जो है समाप्त हो जाने पर भी जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर अकर्म अनुसार दूसरे शरीर में जैसे कपड़े उतारते हैं उसी तरह से उतारते हैं आत्मा भी शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान जो है सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को कि कैसे कैसे प्राणी कपड़ा अपना बदलता रहता है और अपने अपने कर्म अनुसार जो है ये सब क्रिया करते रहते हैं और इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले पुरुष को किसी से भी बैर नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर से मोह होने के कारण दूसरे बैरी पुरुष का भय लगा ही रहता है। आदमी बताते हैं कि ये डर के कारण और इस तरह से अपने आप में जो भय दूर करने के लिए बताते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ पर जब हमारे यहाँ हुए तो बताते हैं कि होइए कदाचित पुत्र हो कंस जीवित होए विधि गीति अपरम पार कहूं हनय ना यही कहां सोए कदाचित पुत्र हो जावे और कंस भी जीता रहे ऐसा मन में विचार किया वसुदेव जी। और बताते हैं कि मृत्यु हो जावे ऐसा उल्टा भी हो सकता है क्योंकि ईश्वर का लीला अपार है और क्या पिता पता है कि मेरे पुत्र के हाथ ही होने वाला कंस का मृत्यु। तो ऐसे में बताते हैं कि आगे वो सोचने लगे बोले कि हम अपने जो भी पुत्र जैसे जन्मेंगे हम लाकर आपको दे देंगे। और क्या होता है एक बार ऐसे में देवर्षि नारद वहां पर आ जाते हैं जैसे पहला पुत्र जन्म देने के लिए जाते हैं तो देवर्षि नारद वहां पर आ जाते हैं और देवर्षि नारद जहां बोलते हैं कि अरे राजन तू ये क्या कर रहा है क्यों उल्टा दिया देने में क्या करते हैं ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं 8 चरखा बनाते हैं 8 रेखा जैसे हम लोग भवर जब भूलते हैं रेखा बनाते हैं तो बना दिया तो गिनो बोले इधर से गिनो उधर से गिनो किधर बोले एंड हुए वन किधर से स्टार्ट हुए ये बताते हैं पुष्प ले लेते हैं रोज का पेड़ ले लो बोले गिनती इधर से गिनो वन किधर शुरू है वन इधर से किधर से बोले कौन रहा तुम्हारा नाश करे इतने में सोचने विचारने लगे सोचे अच्छा जो भी पैदा हुए सबको मारेंगे। तो इस तरह से बताते हैं कि पहला पुत्र जो होता है वो कीर्तिमान और बताते हैं कि उसको भी मार डालते हैं फिर उसके बाद में सुसेन भद्रसेन अरिदु समर्दन भद्र और संकर्षण तथा 8वें में अपने फिर भगवान जो होते हैं वही आते हैं और इस तरह से भगवान ने ही सुर बोले भगवान ही सुर मान नहारी जने पुत्र देव की बिचारी कीर्तिमान प्रथम सुत काही लय वसुदेव गए तेही पाही। कीर्तिमान जो है पहला पुत्र होता है उनको लेकर गए और बताते हैं राजन सत्य बोलने वाला पुरुष की सहन शक्ति अपार होती है और तथा विद्वान बताते हैं कि इच्छा जो है पूरी होकर ही रह जाती है। लखी वसुदेव भाव हे राजन कहे कंस भीषण हरि समन ग्रह ले जाए आप यही काही यही सन मोहे को भय नाही। और यहाँ पर बताते हैं इससे मुझे कुछ डर नहीं है बस तो इसके ले जाओ। और फिर वसुदेव जी अपने जब वही जगह पर आते हैं फिर क्या है नारद ऋषि आ जाते हैं कहा नारद राजन सुनिए गोप ग्वाल ब्रज जो या प्रकटे सब देवता सावधान तुम हो
बताते हैं सब देवी देवता जो है ये सब गोल गोल गोपाल जो है ये सब देवी देवता हैं, ये सब तेरे नाश करने के लिए और तेरे में धर्म डाल रहे हैं, इनका मत सुनो। और बताते हैं कि पृथ्वी पर दैत्य का बड़ा हुआ भार देखकर भगवान विष्णु उसे कम करने के लिए वह अपने लीला का विस्तार कर रहे हैं, ऐसा कहकर महामुनि नारद वहां से चले गए। बताते हैं दूसरों के बीच में कभी कोई जाकर नहीं लड़ाई लड़ा दो तो कई लोगों को बोलते हैं ना कि नारद आएगी नारद। तो ऐसे जगह जगह पर जब ऋषि नारद पहुंच जाते हैं ऐसे कुछ लड़ाई करने के लिए अच्छे कार्य आगे हो जाए, उसके लिए ब्रह्मा पुत्र हैं देवऋषि नारद, किसी का कुछ गुण ज्ञान बढ़ जाए। और इस तरह से बताते हैं तब तो कंस के तुरंत वसुदेव जी के सहित देवकी को बताते बुलाकर बस कारागर में बांध दिए, यहाँ भाई यहाँ देवकी पैदा होएगा तो उनको हम बांध लेंगे। और इस तरह से बताते हैं कि कंस ने सोचा कि वही विष्णु और कालरिनी के अवतार में कंस जब आगे पीछे चलते हैं, कंस यही सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे। और आगे हम लोग एक और गाने में सी Hare 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 Hare